सो है गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू रिव्यू को लेकर एंड अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग भी हम लोग करेंगे इस पेंसिल का, जो कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो ये मैंने परचेस किया अमेजोन से, जो कि मुझे आज ही रिसीव हुआ है कुछ घंटे पहले ही। तो मैं फटाफट से आप लोग के लिए वीडियो लेके आ गया। एंड इस पर तो कुछ लिखा नहीं हुआ है कि ये क्या है नहीं है, यहाँ पर तो मेरे एड्रेस दिए हुए हैं एंड कुछ लिखा नहीं है। तो इसको फटाफट से ओपन करते हैं। तो हमने ले लिया कैंची और देखिए, ये देखिए पीस तो इतना में ही है, इतना तो फालतू का पेज दे दिए हुए, इतना तो किसी और में लगा भी सकते थे ना। चलो मुझे क्या है उससे, मैं फटाफट से अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड आप लोग को दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं ही हूँ जो ऐसे कट कर रहा हूँ और सब तो फाड़ ही देते हैं। तो इसमें से निकालते हैं ये मेन, तो ये रहा ग्रेफाइट पेंसिल का 5 पीसेस एंड इसमें भी मेरा पर्जा ही है, कुछ तो है नहीं। तो इसको रखते हैं इसके अंदर, उसको हटा देते हैं साइड में, तो मेन है इस पर। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाएगी हम लोग, तो कैमरा को करते हैं थोड़ा सा डाउन एंड ये सही। तो मेन जो है यही है एंड बड़ा छोटा सा है यार, ये देखो 2 इंच का ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एंड छोटा सा ही है। एंड इसमें जो मिलता है हम लोग का ग्रेड वो यहाँ पे दिया हुआ है 2B, 4B, 6B एंड 8B एंड 10B। मैं बेसिकली ये क्यों परचेस किया हूँ, मैं तो इससे बड़ा वाला भी 12 सेट भी परचेस कर सकता था डैट, बिकॉज मैं इतना ही यूज़ करता हूँ। आई मीन ये जो है 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, ये मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने इसको प्रेफर किया। एंड इसका थोड़ा प्राइस भी कम है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा 120, बट इसको ऑनलाइन मंगाया मैंने तो इसीलिए चार्ज लेके 160 पर है। सो मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने ये मंगाया। ऐसा नहीं है कि आप लोग भी यही मंगाओ, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो ये मंगाओ, नहीं तो आप लोग 12 सेट का ही मंगा सकते हो, वो 300-400 के करीब होगा। सो खोलते हैं इसको फटाफट से, ऊपर से खोल लेते हैं। इसमें आई थिंक पहले से छिला हुआ रहता है ना पेंसिल, मैंने देखा है किसी का। अच्छा, यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है, ये बहुत यूनिक है, ये चीज़ बहुत पसंद है मुझे। एंड इनका जो कलर है पूरा ही ब्लैक है एंड यस गाइस, इसमें पहले से छिला है और इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसको हटाते हैं, यहाँ पे साइड में रखते हैं, देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा। तो इसका जो है एक अलग ही सेंट, इसमें जो एक अलग ही सेंट है वो काफ़ी अच्छी है एंड मुझे ये सबसे ज़्यादा यूनिक लगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है 2B, 4B, 6B एंड 8B एंड 10B, इस पर लिखा हुआ है। और यहाँ भी, यहाँ का जो कलर है ना, ये थोड़ा चेंज करने से थोड़ा दूर से अच्छा दिखता डेट, बिकॉज इसमें ब्लैक में ये अजीब टाइप का यहाँ पे दिखता नहीं सही से, ये पसंद आया मुझे। एंड ये पहले से छिला हुआ है तो ये जितना मोटा होता जा रहा है ना उतना ही है। आई थिंक 2, 6, 8, 9 भी है, ये देखो पतला मोटा इतना मोटा 10, 8, 6, 4 एंड 2 राइट। एंड चलते हैं इसको फटाफट से चेक करते हैं, किसी पेज बुलाते हैं, चलिए आइए। तो मैं एक पेज यहाँ पर ले आया एंड इसका जो रफ साइड जो है आप लोग देख ही पा रहे होगा इसमें टेक्सचर कितना है, ये देखो इस साइड स्मूथ है एंड इसमें थोड़ा सा लगा भी हुआ है, इस साइड रफ है, इस साइड हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्टिक कर लेंगे, बच्चा तो साइड में ही रहा एंड इसको हम लोग यहाँ पर बीच में स्टिक कर लेते हैं। एक सेकेंड टेप, ताकि हिले ना गाइस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ना हिलने से ही हुआ, फटाफट से स्टिक कर देते हैं। क्या यार, तो ये हो चुका हम लोग का, ठीक है। एंड हम लोग ब्लाइंड करके भी देखने वाले हैं कि कैसा ब्लाइंड हो रहा है, तो और थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, ये सही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें ग्रेड लिख भी लेते हैं, किसी 1 से 2 बी से मैं सारा ग्रेड लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। सिक्स बी, 8B एंड 10B, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है 2B का, आप लोग दिख रहा होगा यहाँ भी, देख लो दिख रहा होगा ना 2B। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं 2B का, 2B का जैसे हम लोग सेट करते हैं वैसे ही हम लोग करेंगे, ज़्यादा एकदम लाइट भी नहीं लेंगे एंड ये काफ़ी लाइट भी है एंड डार्क भी है, इसको ज़्यादा लाइट भी नहीं बोल सकते, HB लाइट होता है। तो ये रहा
टोबी का जो भी लाइट एरिया जो है वो, एंड मैं लाइटली यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा हाथ में ज़्यादा डीप प्रेशर नहीं कर रहा हूँ। देखो मैंने पकड़ा कहाँ से, ये देखो मैंने पकड़ा ही कितना दूर है, तो काफ़ी मैं लाइट ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इतना कुछ है टोबी में, ठीक है, इसको ब्लाइंड हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा फोर भी दिख रहा होगा, अब फोर बी का बाड़ी मैंने सेम वही दूर से पकड़ा रखा है, एंड इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कैसा आ रहा है। एंड बीच में जो वाइट वाइट आ रहा है वो आप लोग स्ट्रक्चर समझ ही सकते हो, कैसा पेज का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से वो क्रिएट हो रहा है, जो कि ब्लाइंड में बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये फोर बी है, ठीक है, फोर बी कम्प्लीट। एंड बढ़ते हैं सिक्स बी की तरफ, ये रहा सिक्स बी, दिख ही रहा होगा, यहाँ भी देख लो। अब बढ़ते हैं सिक्स बी की तरफ, मैंने वही दूर से पका रखा, एंड सिक्स बी सही है, सब एक दूसरे से लाइट एंड डार्क में चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। एंड जितना आप लाइट प्रेशर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ताकि आप लोग उस पर डार्क दे सकते हो, डार्क करने के बाद उसको लाइट करना मुश्किल हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये सिक्स बी है यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट टू सेकेंड पता चल ही रहा है गाइस। एंड इसमें मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ और दे दो यहाँ से, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा ना तो आपको ब्लाइंड में सही लगेगा। मैं क्रॉस हैचिंग टाइप का कर रहा हूँ, क्रॉस हैचिंग टाइप का, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कैसा है। एंड मैं फोर बी को या टू बी को भी वैसे ही थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग कर ले रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा डीप रहे तो ब्लाइंड में आप लोग को अच्छे से पता चल सके कि आप लोग को एग्जैक्टली कैसा मिलने वाला है। दैट बिकॉज ये फर्स्ट लेयर में हम लोग ब्लाइंड करेंगे तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैंने टू बी में ही यूज़ किया है। एंड मैं फोर बी यूज़ करूँगा फोर बी की जगह पे, ये रहा फोर बी, एंड फोर बी को भी मैंने हैचिंग के टाइप में क्रॉस हैचिंग कर दिया थोड़ा सा, ताकि आपको ब्लाइंड अच्छे से समझ में आए, और कुछ नहीं, ठीक है। फोर बी हो गया, टू फोर सिक्स, चलते हैं एट की तरफ, ये रहा एट बी, दिख रहा होगा, यहाँ भी देख लो एट बी। अब बढ़ते हैं एट बी की जगह पे, ये थोड़ा सा आ गया है तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे एंड वाले लेजर से, इसका लग के हाथ में लग के ना आ गया था वो। एंड बढ़ते हैं एट बी की तरफ, एट बी को भी हम लोग पहले लाइटली देंगे एंड फिर उसको क्रॉस हैचिंग करेंगे। ऑब्वियसली ये सिक्स बी एंड फोर बी से डार्क होगा, दैट बिकॉज एट बी सबसे डार्क होता है। मैं इससे पहले तो आठ लाइन का है ना वो नॉर्मल वाला यूज़ करता था, सिल्वर कलर वाला, मैं उनसे भी आपको कन्फ्यूजन देखता हूँ मैं दोनों में से कौन सा बेस्ट निकलता है, मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दे दूँगा आप लोग को। एंड इसमें मैंने लाइट किया एंड मैं इस पर भी डार्क कर रहा हूँ, तो ये ऑब्वियसली सिक्स बी से थोड़ा सा डार्क होगा। एंड मैं लाइट ही पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा ये नहीं कि नज़दीक पकड़ रहा तो डीप पकड़ रहा हूँ, नहीं मैं लाइटली यूज़ कर रहा हूँ। एंड ये ऑब्वियसली सिक्स बी से डार्क है, आप लोग देख ही पा रहे हो, ठीक है। तो हो गया ये एट बी, एंड बढ़ते हैं लास्ट टेन बी की तरफ, देख पा रहे हो टेन बी, एंड आप लोग देखो टेन बी, ओके, बढ़ते हैं टेन बी की जगह पे, एंड वही लाइट यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखो कितना दूर से पकड़ा हूँ एंड मैं यूज़ करता हूँ इसको, तो ये हमने यहाँ तक कर दिया। अब हम लोग करेंगे इसको क्रॉस, क्रॉस कर रहा हूँ मैं बेसिकली आप लोग को दिखाने के लिए, ब्लाइंड हो रहा है कैसा वो बताने के लिए। एंड आप लोग तो मैं चाहता तो मैं फर्स्ट लेयर में भी आप लोग को दिखा सकता था, वो सही से दिखता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम ही है एट एंड टेन, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग को जो यूज़ करना आप लोग कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा करके दिखा दिया, ये सारी पेंसिल का है, ये टेन का है, ये फोर का, ये एट, ये टू एंड ये सिक्स, तो सब पेंसिल का सब आप लोग देख लिए। तो पेंसिल हटाते हैं साइड में एंड अब हम लोग ब्लाइंड करने वाले। सो गाइस, मैं ब्लाइंड के लिए ये एक आई शैडो ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जो बेसिकली मेकअप ब्रश होता है, उसी से मैं सेट का जो ब्लाइंड है वो मैं करता हूँ। एंड ये छोटा जगह के लिए अच्छा होता है, एंड बड़ा भी मिलता है, वो मैं कुछ दिन के बाद लाऊँगा वो वीडियो,
पूरा का पूरा आपको रिव्यू करने के लिए कि वो कैसा होता है एंड कौन सा कहाँ पे यूज कर सकते हैं बड़ा वाला, ठीक है। तो अभी ये यूज करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देखो आपको एक इंच से हाफ इंच से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं टूबी में यूज, आप देख ही सकते हो कैसा ब्लाइंड हो रहा है, इसमें ब्लाइंडनेस बहुत ही स्मूथ है एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे एक्सपीरियंस से ये काफ़ी अच्छा पेंसिल है एंड इससे भी अब इसके बाद से भी इस पर वर्क करके मैं लाऊंगा, आप लोग देख पाओगे एंड आप लोग मेरे फेसबुक एंड इंस्टा पे भी देख सकते हो, वहाँ पे मैं ज़्यादा पोस्ट करता हूँ अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, वहाँ पे मैं फ़ोटो ज़्यादा पोस्ट करता हूँ, आप लोग वहाँ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है भाई, काफ़ी अच्छा निकला है एंड पेपर की वजह से भी अच्छा हो रहा है एंड उसकी वजह से भी अच्छा होता है। पेपर भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना आप लोग को ज़रूरत है, पेपर भी अच्छा स्मूथ टाइप का लाओ, स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रक्चर आना चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ रहना चाहिए, एकदम मस्त होता है उसमें, चकाचक वर्क होते हैं उसमें, ठीक है। एंड ये मैं लोग देख सकते हो कैसा हुआ है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा ब्लाइंड हुआ है, आप लोग देख सकते हो कितना स्मूथ ब्लाइंड है एंड बढ़ते हैं 4B की तरफ, अब 4B को भी स्मूथ ब्लाइंड देते हैं पूरा मस्त, काफ़ी अच्छा ब्लाइंड हो रहा है यार, मज़ा आ गया, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा है। बोस्टो कंपनी यार इसीलिए तो अपने प्रोडक्ट के लिए ही तो नामी है, हम लोग बोस्टो का ही पेंसिल यूज़ कर रहे हैं एंड ये भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो पाया। फर्स्ट लेयर में देता तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा ब्लेंड किया है, कहाँ चला गया, आप लोग को डार्कनेस पता नहीं चलता ना, इसलिए मैं सेकेंड लेयर दे के हैचिंग टाइप का करके उसको फिर ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि आपको पता भी चले कि हाँ ये डार्क था एंड स्मूथ में आया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा, ग्रेट, नाइस, काफ़ी अच्छा है, स्मूथ हुआ है, आप लोग देख ही पा रहे हैं कैसा स्मूथ हो रहा है एंड बढ़ते हैं 6B की तरफ एंड ये भी काफ़ी अच्छा है, इस पर जो ऊपर का जो ग्रेफाइट है वो जो मिक्स होता है ना, काफ़ी अच्छा एक हेजी हेजी टाइप का एक ब्लड टाइप का जो स्मूथनेस आता है ना, वो एक पोर्ट्रेट में कितना अच्छा लगता है, जब गाल पे चिक पे हुआ है फॉरहेड पे कितना स्मूथ रहता है वहाँ पे, वो सब इम्पॉर्टेंट है पेंसिल यूज़ करने की वजह से एंड अब पेंसिल कहाँ पकड़ते हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेयर बाय लेयर्स काम करना होता है। तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा टिप भी दे रहा हूँ इसी के साथ साथ, आप लोग इसको फॉलो करो एंड प्रैक्टिस करो, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो एंड 6B आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा सा स्मूथ हो रहा है, काफ़ी अच्छा स्मूथ हो रहा है यार, इसमें एकदम दिल को छू गया है स्मूथ इसका एंड जो ब्लाइंड है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी दूर तक जा रही है। देखो मैंने यहाँ तक ब्लाइंड किया था ना, मैंने यहाँ तक ब्लाइंड किया था, यहाँ तक चली गई वो ब्लाइंड होकर, काफ़ी अच्छी है एंड बैठते हैं 8B की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया गाइस, उससे कोई बात नहीं, आप लोग लर्निंग अच्छे से करो, लर्निंग इज़ द अर्निंग, लर्निंग से ही अर्निंग आएगी, तो आप लोग लर्न अच्छे से कर लो फिर आप लोग अर्न अच्छे से कर पाओगे, तो थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल लो, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद उस लोग को, थैंक यू सो मच, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना, ठीक है। एंड जो जो पेंसिल है उसका मैं लिंक इन द कॉमेंट में, आई मीन कॉमेंट नहीं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड पिन कॉमेंट में भी दे रहा हूँ, जब मैं कॉमेंट बोल ही दिया हूँ तो पिन कॉमेंट में भी दे रहा हूँ उसका लिंक एंड जो डिस्क्रिप्शन है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ब्रूस्टो जो है ग्रेफाइट पेंसिल नाम का, तो यहाँ पे 8B आप लोग देख ही पा रहे हो कितना अच्छा स्मूथ हुआ है एंड मैं राउंड राउंड करके यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे राउंड राउंड करके यूज़ कर रहा हूँ, सब में मेरा राउंड ही किया हूँ, ऐसे लॉन्ग एंड राउंड ही किया हूँ। ये कितना दूर तक जा रहा है ना, मुझे ये जो ब्लरनेस है यही जो मेन होता है पेंसिल का, जो ब्लरनेस यही होता है, हमने तो यहाँ तक दे रखा है तो यहाँ तक तो रहेगा ही वो डार्कनेस, ये जो ब्लाइंडनेस फैल रहा है ना, ये जो ग्रेफाइट फैल रहा है यही होता है मेन, फैलना चाहिए एंड जो स्मूथ जो स्नोजी टाइप का जो मतलब इफेक्ट आ रहा है, जो एकदम धुआं धुआं टाइप का आ रहा है ना, वही तो मेन है। अब बढ़ते हैं 10B की तरफ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते एंड 10B को देखो कितना अच्छा सा स्मूथ हो रहा है, एंड इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ये लगभग 120 का लगभग पड़ेगा ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, यही 120-150 का अराउंड पड़ेगा एंड अब तो आर्टिस्ट का जो वो है ना आर्ट लाइन का जो पेंसिल उसका भी सेम इतना ही है, ये 100 का तो लगभग है ही, 170 ऐसे कुछ है
तो उसका कंपैरिजन में थोड़ा सा ये बेटर है स्मूथ में। जो आर्टलाइन का जो पेंसिल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। ये जो होता है ना, ये जो होता है ये आर्टलाइन का है, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई थिंक उखर रहा है। ये है 4B है शायद, हाँ 4B है। तो ये 4B है, तो ये मैंने पहले यूज़ करता था, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग ये कुछ ज़्यादा ही मुझे पसंद आ रहा है। दैट बिकॉज इसका जो ये जो ग्रेफाइट जो निकल रहा है एंड ये जो स्मूथ जो ब्लरनेस आ रहा है ना, काफ़ी अच्छे हैं एंड आपको इम्प्रूव करने में हेल्प भी करेंगे। तो स्मूथ कुछ ऐसा ही हुआ है, आप लोग देख लो ब्लाइंड करने के बाद कैसा लग रहा है। 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा हैचिंग एंड सिंगल लाइन भी ट्राई करते हैं। आप लोग थोड़ा सा और नज़दीक एक साइड से आ जाओ, ठीक है। मैं कैमरा को क्लिक कर लेता हूँ अब, ठीक है। तो मैं पहले 2B ले लेता हूँ, ये 2B का ग्राउंड है एंड ये रहा 2B। तो हम लोग इस पर पहले स्मूथ हैंड से सेटिंग करने वाले, ये नीचे साइड पे, यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन टर्निंगे एंड सिंगल जो हैचिंग होता है वो हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे ये 2B का है, ठीक है। एंड कितना स्मूथ एंड शार्पनेस जा रहा है आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे। ये रहा 2B। अब बढ़ते हैं 4B की तरफ, मैं ले लेता हूँ 4B। ये रहा 4B का ग्राउंड में 4B का पेंसिल एंड ये रहा 4B। काफ़ी अच्छी पेंसिल है, काफ़ी अच्छी, मुझे तो पसंद आ गया है। थोड़ा सा हाई कॉस्ट, एकदम थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू आर्टलाइन का जो ग्राफिक पेंसिल है, ग्रेफाइट पेंसिल, उससे थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही बेटर है उससे। मैं यूज़ किया हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एंड आप लोग को जो पसंद आता है आप लोग वो लो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बट मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि उससे थोड़ा सा ये बेटर है। तो ये रहा 2B एंड 4B। अब बढ़ते हैं 6B की तरफ, 6B का ग्राउंड में 6B देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं हम लोग, ये रहा। ठीक है, बढ़ते हैं 6B पे, करते हैं। काफ़ी स्मूथ एंड चलाने में मुझे जो रफनेस पता चल रहा है पेज का, वो भी काफ़ी स्ट्रक्चर अच्छा है इसका, पेज का भी एंड पेंसिल का भी। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आर्ट निकल के आता है आपका एंड आपका मन भी लगता है कि हाँ मैं उसमें अच्छे से मन से काम करूँ। एंड पेज अच्छा नहीं होगा, पेंसिल अच्छा नहीं होगा, तो आपका मन भी कैसा इरिटेटिंग टाइप का हो जाएगा कि नहीं यार अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे रेफरेंस का जैसा नहीं मिल रहा है, वो आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक अच्छा होगा, तब का आर्ट भी अच्छा होगा। एंड हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ही, ऐसा नहीं कि आप लोग करते नहीं हो, अचानक से पेज ले आए एकदम कैनसन का हाई प्राइस वाला, 4-5 हज़ार वाला एंड पेंसिल ले आए एकदम, क्या ही बताऊँ, 1-2 हज़ार के, तो उससे नहीं होने वाला है। हाई प्राइस के जो प्रोडक्ट है उनको खरीदने से नहीं होने वाला, आपको आना भी चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए, आर्ट का जो फंडामेंटल है उनको पता होना चाहिए, वो सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके वो सब यूज़फुल है। एंड वो सब ऐसे ही पैसा बर्बाद का टाइम हो जाएगा, अगर आपको वो नहीं आता यूज़ करना तो वो पैसा बर्बाद का हो जाएगा। तो दैट्स अगेन, आते हैं टॉपिक पे एंड 6B का ये रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा कैसा, मतलब एक शेडिंग टाइप का जो करने वाले हैं। तो ये रहा स्मूथ एंड इससे पहले मैंने करके दिखाया एंड ये सिंगल टार्ट में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 8B की तरफ, कैमरा को मैंने थोड़ा सा ठीक किया इसीलिए मैं गया था 20 एंड आ गया 8B का ग्राउंड में। 8B को यूज़ करने आप लोग देख ही पा रहे हो 8B एंड यहाँ पर हम लोग सेप टाइप से यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख ही पा रहे होगे कितना स्मूथ इसमें जो इफ़ेक्ट आ रहा है ना, ये जो ब्लर इफेक्ट है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं दिल से बताऊँ काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड आप लोग कुछ अगर इससे लर्न कर पा रहे हो, आप लोगों को कुछ पता चल रहा है, आप लोग कुछ नहीं पता था कि कौन सा पेंसिल यूज़ करें या क्या करें क्या नहीं करें, आपको ज़्यादा हाई पेंसिल लेने का भी कोई ज़रूरत है नहीं। अभी आप लोग अपना आर्ट को इम्प्रूव करो, देन आप उससे कुछ अर्न कर पाओ, उसके बाद आप लोग खर्च करो यार बड़े बड़े जो भी पेंसिल या जो होते हैं उस पर खर्च करो, तब आपका आर्ट भी अच्छा होगा एंड आपका जो यूज़ करोगे आप लोग जो टूल हाई लेवल का लोगे वो भी आपका काम में आएगा। नहीं तो यार हाई लेवल का टूल लेके कोई काम नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्रैक्टिस करो, मैनी प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, आर्ट का फंडामेंटल को जानो, ठीक है, वो सब करो आपको, तब जाके थोड़ा सा आप अपग्रेड हो जाओगे अपने आर्ट लाइन में। एंड 8B का जो है वो हो गया। अब बढ़ते हैं 10B के साइड में, 10B
ये रहा 10B ग्राउंड में हम लोग 10B करने आ गए। ये रहा 10B फोकस फोकस। अब बढ़ते हैं हम लोग 10B की तरफ। 10B काफ़ी स्वीट है एंड काफ़ी जो ब्लरनेस है वो काफ़ी अच्छी है, सब में ही काफ़ी अच्छी है। ये पेंसिल का जो ये जो पार्ट होता है ना यही मेन होता है। ये तो वुडन होता है, सबका सेम होता है वुडन, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बीच का जो ग्रेफाइट का जो लीड है बेसिकली वो एक मेन होता है एंड ये काफ़ी अच्छी लीड है। एंड मैंने बेसिकली यहाँ पे कर दिया, आप लोग को मैं दिखाता हूँ नज़दीक से। आप लोग देखो, ये देखो कितना एक अच्छा सा इफेक्ट आया है। ये देखो आप लोग टूबी को देखो, टूबी को देखो कितना स्वीट सा है। एंड 4, 6 आप लोग देखते जाओ डार्क पे डार्क होते जा रहे हैं। एंड 10B से थोड़ा सा डार्क होता है 8B जो कि मैंने पहले बताया था, आप लोग देख सकते हो। पूरा का पूरा रिव्यू आप लोग के सामने है एंड मैं टेस्टिंग करके भी आप लोग को दिखा दिया। तो ये पेंसिल आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इसका लिंक मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, पिन कमेंट में दे दूँगा। तो आपको ये परचेस करना कि नहीं चाहिए मैं बताऊँ तो आपको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं अकॉर्डिंग टू अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मेरे पास इसके कितने सारे ग्रेड है। मैं आई थिंक 2 पैकेट इसमें जो 6 करके जो पैकेट आते हैं मैंने बहुत सारा यूज़ किया। ये देखो कितना छोटे हो गए, देखो कितना छोटे हो गए। मैंने इसको काफ़ी यूज़ भी किया है तो उससे मुझे, मैं एक्सपीरियंस से बताऊँ तो उससे मुझे ये थोड़ा अच्छा एक लेवल, एक नहीं आई मीन 5 लेवल अप लगा है। ये वाला ये जो बूस्टो का पेंसिल है ये वाला, इससे काफ़ी अच्छा है ये। एंड मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने उसको यूज़ किया, उसका 2-2 पैकेट में यूज़ कर लिया हूँ। तो उस हिसाब से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो एंड मतलब बाई कर सकते हो। एंड इसका जो लिंक है वो मैंने बता ही दिया। एंड ये 150-140 के अराउंड पड़ता है। इसका जो ऑनलाइन जो प्राइस है वो 120 है एंड इसका जो 40% जो डिलीवरी चार्ज है वो लगा के आपको 160 में मिल जाता है। आप लोग ऑफलाइन भी ले सकते हो 120 या 100, 123, 130 इस टाइप का आप लोगों को पड़ सकता है, तो आप लोग देख सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग को जो पसंद आता है आप लोग वो करो, मेरा बताना का काम था, मैंने आपको बता दिया। आप लोग को बस पूरा टेस्ट यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों के सामने पूरा रिजल्ट है एंड आप लोग को जो बेटर लगता है आप लोग वही करो अपने हिसाब से। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ था, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड 1 लाइक तो जरूर कर देना। एंड जो अभी तक न्यू देख रहे हैं, अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं, 1 सब्सक्राइब कर दो यार। मैं आपको सच बताऊँ तो ये देखो आप, ये जो जून जुलाई का गर्मी में मैं 1:30 बजे 2 बजे ये जो दोपहर का टाइम है उस टाइम में मैं फ़ैन ऑफ करके घर में बना रहा हूँ। सोचो मेरे घर में कोई AC वैसी भी नहीं है कि मैंने उसका साउंड बंद कर दिया यार। वॉइस अच्छा आने के लिए मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है एंड मुझे बहुत ही स्वेट भी आ रहा है एंड मैं बॉडी को दिखा नहीं सकता, सो मुझे बहुत ही स्वेट आ रहा है। मैं इतना मतलब आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ रूम बंद करके। आप लोग को तो पता ही होगा कि रूम बंद करके पूरा मतलब लॉक करके उसमें फिर फ़ैन ऑन ऑफ करके जो रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग 1 लाइक तो ज़रूर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आप लोग को अगर अच्छा लगता है इस टाइप का और भी देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोग को पैसा भी नहीं लग रहा है। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके एंड सबसे पहले आप ही देख पाए। तो ठीक है, आज के लिए कुछ इतना कुछ था। तो आप लोग को लेना चाहिए कि नहीं आप लोग कमेंट नीचे बताना एंड आपको वीडियो पसंद आया तो 1 लाइक तो ज़रूर कर देना। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।